तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो भाई अपना गेहूँ कट चुका है, गेहूँ कटने के बाद भूस रह गया है। ये डंगरों के लिए, जानवरों के लिए बनाना था, खेत खड़ा था नड़वा, अब इसका भूस बन रहा है। और इसको कई भाषाओं में बोला जाता है, कोई तूड़ी भी बोलता है पंजाब में, इसको पंजाबी भाई तूड़ी बोलते हैं, और हमारे इधर इसको भूसा बोला जाता है, भूस भी बोलते हैं, भूसा भी बोला जाता है। और बहुत सारे लोग इसका बिजनेस करने लगे हैं। देखिए एक रिपर ये चल रहा है सामने, और एक रिपर वो खड़ा है उधर सामने, वो देखिए दूरी पर बराबर में चल रहे हैं। पहले गेहूँ की कटाई, उसके बाद में फिर जानवरों के लिए चारा बना देते हैं, इसका तूड़ी बना देते हैं। ये चल रहे हैं रीपर, ये हमारे गांव का ही रीपर है। बड़ा रे भाई, माली साहब, बुड्डू भाई चला चला। हाँ पूरा चलाएं, ये कूचा लग रहा है, कूचा इसमें ना प्याल का। प्याल का कूचा लग रहा है।
कहा था कि साफ कर दी पूरी लाइन, जमीन जमीन का सब उठा लिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। अब बच्चे खेलेंगे यहाँ पर क्रिकेट,